चक्रवर्ती से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लिए राजी हो गई है। नमस्कार, मैं उर्दम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। सुशांत सिंह राजपूत केस में 3 अगस्त को एक याचिका पर सुनवाई हुई थी। याचिका अपील की थी रिया चक्रवर्ती ने कि बिहार पुलिस का जो केस है, जो केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर जो FIR कराई है, उसे ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया जाए। वेल, मैं आपको बता दूं कि उस दिन तो ये बात सामने नहीं आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी नहीं दिया था और याचिका को खारिज भी कर दिया था, जिसकी अपडेट मैंने आप लोगों को दी थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस रॉय थे, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे अभिनेता है और उनको जस्टिस मिलना चाहिए और सारी बातें जो है वो सामने आनी चाहिए। ऐसे में अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि वो रिया चक्रवर्ती का पक्ष सुनना चाहती है। वो रिया चक्रवर्ती को सुनेंगी और उसके बाद जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। ऐसे में थोड़े से सवाल और खड़े हो जाते हैं कि क्या CBI जो है वो अपनी जांच उस समय पे कर पाएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन करने का जो एक लॉ है वो बना दिया है कि अगर आप किसी भी जगह से आते हैं तो आपको महाराष्ट्र में आने के बाद होम क्वारंटाइन आपको होना ही पड़ेगा। अब ऐसे में एक तरफ CBI की तरफ केस ट्रांसफर हो चुका है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि वो रिया चक्रवर्ती को सुनेंगी, तो अब ऐसे में जो है सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो और ज्यादा ऐसा लगता है कि उलझता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या है आपकी राय, कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।